बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास सिक्स यूनिट वी हैड कंप्लीट यूनिट नंबर फोर एंड यू नो आफ्टर कंप्लीटेड द यूनिट वी हैव स्टार्ट अवर वर्कशीट। टुडे वी विल डूइंग वर्कशीट, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वल, ग्रेटर एंड लेस साइन। ठीक है, अब देखें माइनस सिक्स और माइनस सेवन है। स्टूडेंट इंटीजर्स में आपके राइट साइड पे जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो जो स्टार्टिंग नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं अपकमिंग नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस सिक्स है तो हम क्या कहेंगे, माइनस सिक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस सेवन। माइनस वन इज़ डैश इंटीजर। अच्छा जी, माइनस वन इंटीजर्स कितने टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये कौन सा इंटीजर है? यस, नेगेटिव इंटीजर। माइनस सेवन और एब्सोल्यूट माइनस सेवन, तो एब्सोल्यूट माइनस सेवन का क्या आंसर आता है? सेवन। तो माइनस सेवन इज लेस देन माइनस सेवन। ठीक है ना, एब्सोल्यूट माइनस सेवन क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा जी, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। फोर, अब फोर कहते हैं फोर और आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट माइनस नाइन। तो आप देखिए ये फोर है और एब्सोल्यूट माइनस नाइन का आंसर क्या है, पॉजिटिव हो जाता है। जब एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इक्वल होती है किसके, पॉजिटिव के। तो फोर इज़ लेस देन नाइन। माइनस टू इज़ डैश माइनस थ्री। अब माइनस टू क्या है, स्टार्टिंग नेगेटिव नंबर है तो इज़ ग्रेटर देन माइनस थ्री। माइनस फोर, एब्सोल्यूट माइनस फोर किसके इक्वल होता है, फोर के पॉजिटिव नंबर के। एब्सोल्यूट माइनस थ्री, एब्सोल्यूट माइनस थ्री आपके पास किसके है, इक्वल थ्री के आ जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट माइनस थ्री की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री इक्वल टू थ्री। ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन माइनस टू। अच्छा जी, आप एब्सोल्यूट फोर है और एब्सोल्यूट नाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि नाइन आ जाएगा, तो फोर इज़ लेस देन नाइन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू कहते हैं इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, थ्री एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थ्री टू ज़ार सिक्स, सिक्स तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या होगा, माइनस सिक्स होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने माइनस सिक्स लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका माइनस नहीं लगा हुआ लेकिन आपने माइनस सिक्स लगाए। ओके, एब्सोल्यूट माइनस फोर, एब्सोल्यूट जब आप लेते हैं नेगेटिव नंबर का तो वो किस नंबर में आता है, यस पॉजिटिव में, तो आंसर इज सी प्लस फोर। माइनस वन इज क्या है, ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, यस लेस। फोर माइनस प्लस थ्री, अच्छा जी फोर प्लस माइनस, यस माइनस, तो जब हम फोर में से थ्री माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, वन पॉजिटिव आ जाता है। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय माइनस थ्री, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन, तो आपने क्या था कि प्लस एक प्लस इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर विल बी नेगेटिव, लेकिन डिवीजन तो सेम है, थ्री फोर्स आर ट्वेल्व, आंसर विल बी नेगेटिव माइनस फोर। माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन, तो माइनस सिक्स स्टार्टिंग नंबर है तो इट्स ग्रेटर देन माइनस सेवन। ओके, नेक्स्ट है माइनस थ्री, एब्सोल्यूट माइनस थ्री और फिर क्या है थ्री, तो माइनस थ्री किसके इक्वल है, थ्री के। एब्सोल्यूट माइनस थ्री का क्या आंसर है, थ्री, तो थ्री इक्वल किसके आ गए, थ्री के। ओके, अब है माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम नंबर्स हैं, तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव, और नाइन सिक्स आर फिफ्टी फोर, तो कौन सा आएगा, बी माइनस प्लस फिफ्टी फोर। एट आपके पास क्या है, एट को आप मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस ट्वेंटी फोर आ जाए। ठीक है, इस ब्रैकेट में आपके पास कौन सा नंबर आइए, कौन सा नंबर आना चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ट्वेंटी
फोर आ जाए। तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री, एट मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा जी, एब्सोल्यूट फोर और एब्सोल्यूट माइनस नाइन, तो क्या है एब्सोल्यूट माइनस नाइन इज इक्वल टू नाइन एंड एब्सोल्यूट फोर इज इक्वल टू फोर। तो फोर क्या होगा, लेस होगा या ग्रेटर होगा या इक्वल टू नाइन? यस इज लेस। ओके, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था सेट्स में कि हम लोग कैसे इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो जेड को पॉजिटिव, और नेगेटिव हों तो जेड के पावर में नेगेटिव आ जाता है। अब देखें ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो कौन सा आ जाएगा, जेड के ऊपर पॉजिटिव। नंबर लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो फिर आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री। अब आपके पास देखे इसमें प्लस और माइनस के सब इंटीजर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा ये दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, तो जेड से डिनोट कर दिया। प्लस माइनस एक्स एब्सोल्यूट। अच्छा जी, प्लस का एब्सोल्यूट लें तो आपको प्लस ही में आंसर देते हैं, और माइनस का एब्सोल्यूट लें तो भी आपको पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये किससे मैच हो जाएगा, एक्स से। टू में से सेवन माइनस करते हैं, स्मॉलेस्ट में से बिगर माइनस नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर इंटीजर्स में करते हैं, सिर्फ आंसर वही रहता है, साइन बिगर का लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव। सो कॉलम सी में आप क्या लिखेंगे, कॉलम सी में जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, लेस देन ज़ीरो, फिर आपके पास है इंटीजर्स, उसके बाद एक्स, देन माइनस फाइव। ठीक हो गया। अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। माइनस वन इज नेगेटिव इंटीजर, माइनस वन क्या है, यस ठीक है नेगेटिव इंटीजर है ना। ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, सो इट इज़ फॉल्स। माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, यस ट्रू। एब्सोल्यूट फोर, माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो एब्सोल्यूट माइनस फोर आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, आंसर फोर आ जाता है। फोर इज़ नॉट इक्वल टू माइनस फोर, सो दिस इज फॉल्स। प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री, अच्छा जी थ्री में से माइनस कर दे थ्री, तो आंसर इज ज़ीरो, तो इज ट्रू। माइनस वन इज लेस देन ज़ीरो, यस ट्रू। अब आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट माइनस टू इज इक्वल टू टू, यस एब्सोल्यूट माइनस टू क्या आंसर, टू, टू इज इक्वल टू टू, सो इज ट्रू। माइनस वन माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू क्या आंसर आ जाता है, माइनस थ्री, थ्री माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस टू इज फाइव, प्लस टू प्लस डिवाइड बाय माइनस वन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव नंबर है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव टू आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, सो इट दिस इज फॉल्स। ओके तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी वर्कशीट डन हो गई। काइंडली डू दिस इन योर नीड नो वर्कशीट एंड स्टूडेंट्स काइंडली सेंड योर सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके मस्ट सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट, ठीक है स्टूडेंट, ताकि हम उनको चेक करें एंड कंप्लीट योर वर्क टिल डेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना काम कंप्लीट कर लें। ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।